भिलाई में सियासी बुल कार्यालय का उद्घाटन शहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के पुत्र हरेश कवासी लखमा उपस्थित हुए और संचालक और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। देश के विभिन्न राज्यों में अपने कार्यों का डंका बजाने के उपरांत सियासी बुल अब छत्तीसगढ़ में आ चुका है। सियासी बुल के भिलाई स्थित मुख्यालय का उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा के पुत्र हरीश कवासी लखमा के हाथों बीते दिनों संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि हरीश कवासी लखमा ने संचालक आशीष साव और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान संचालक सहित आए हुए अतिथियों के द्वारा किया गया। यह हम आपको बता दें कि सियासी बुल राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों की ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट तैयार करता है। चुनाव कैंपेनिंग संस्था का प्रमुख कार्य है। सियासी बुल का हेड ऑफिस राजकोट में है और हाल ही में संस्था द्वारा यूपी के चुनाव में प्रत्याशियों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसका 100% परिणाम भी आया था। उद्घाटन अवसर पर हरीश कवासी लखमा और संचालक आशीष साव ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज मेरे मित्र आशीष साव ने ऑफिस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और मैं यहाँ पर आया और उनके परिवार के द्वारा बहुत ही आत्मीय स्वागत किया। इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनका कारोबार अच्छे से चले, पूरे छत्तीसगढ़ में इनका नाम हो, यही शुभकामनाएँ देता हूँ। और सारे लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और भिलाई लगभग एक साल के बाद आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई आशीष और उनकी टीम अच्छी काम करेगी और उनका कारोबार अच्छा चलेगा, यही आशा करता हूँ। मेरी संस्था है सियासी बुल नाम है, राजकोट में हमारा हेडक्वार्टर है। छत्तीसगढ़ भिलाई मेरा होम टाउन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफिस डाला है ताकि छत्तीसगढ़ में जो है कि मैं कुछ काम कुछ बेहतर करके दे पाऊँ यहाँ पे। और मेरा मकसद है कि जिस तरीके से मैंने आज तक कम से कम 10 से 12 स्टेट में मैंने काम किया अलग अलग पार्टियों के लिए, तो उसी मकसद से छत्तीसगढ़ में उतरा हूँ कि जो लोग जिनके लिए काम कर रहा हूँ मैं, चाहे वो साउथ छत्तीसगढ़ की बात हो या नॉर्थ छत्तीसगढ़ की बात हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पर उस तरीके की चीज़ें डेवलप नहीं हुई है। उन चीज़ों को हम लेकर के आए हैं कि कुछ नया हम पेश करें और उसका फ़ायदा मेनली लोगों को मिले, तो उन चीज़ों के साथ मैं आया हूँ। तो बिल्कुल मेरा है, उम्मीद भी है और विज़न भी है कि अच्छा करके मैं यहाँ पे दूंगा। गौरतलब है कि संस्था द्वारा पॉलिटिकल रिसर्च, ग्राउंड सर्वे, डिजिटल कंटेंट, वीडियो सर्विस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट, मैसेज सर्विस, व्हाट्सएप सर्विस, डॉक्यूमेंट्री सर्विस, लाइव ब्रॉडकास्टिंग, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन, प्राइवेट कॉल सेवा, इलेक्शन वार रूप आदि जैसी सुविधाएं मुहैया करता है। इसके शुभारंभ होने से निश्चित ही चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को इसका लाभ मिल सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट।